साथियों, हम जब भी कोई नया काम सीखते हैं तो उस काम को सीखने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। ये नियमों का पालन करने में वक्त तो ज़रूर लगता है, मगर जो काम हम सीखते हैं वो बहुत दृढ़तापूर्वक, बहुत सुगमतापूर्वक, बहुत ही गहराई से हम सीख पाते हैं। आज हम अपने साथियों से इसी विषय पर बातचीत करने वाले हैं कि कैसे बच्चों को अभ्यास कराया जाए, कैसे एक वचन से बहुवचन बनाया जाए, जिसे हम सिंगुलर या प्लूरल बोलते हैं। तो हम आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो बोलचाल की भाषा होती है, तो उस बोलचाल की भाषा में हम कैसे बच्चों को सिखाएं कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है, या एक वचन या बहुवचन किस तरह से बनाए जाते हैं, या वन एंड मोर या वन एंड मैनी क्या होता है, है ना। इसको जैसे हम बोलते हैं किसी भी शब्द को, तो जब हम उसको एक वचन में बोलते हैं बहुत साधारण ढंग से बोलते हैं, लेकिन जब उसका प्लूरल बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं, तो भी हम जब बोलते तो ऐसा लगता है कि हमने शब्द के अंत में केवल एस जोड़ा है। जी। जैसे डॉग डॉग्स, मैंगो मैंगोज, बुशेज बुश बुशेज, बेंच बेंचेज, चौक चौक्स। ऐसा लग रहा है कि हमने इसमें कोई खास बात नहीं की है, सिर्फ एस जोड़ा है। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। हकीकत ये है कि बोलचाल की भाषा में जो हम बोलते हैं, जो हम देखते हैं, लिखने की भाषा में वो चीज़ बिल्कुल अलग हो जाती है। हम जो भी बात अपने छात्रों को समझाएंगे उसको थोड़ा सा प्रयोगात्मक ढंग से और फन वे में सिखाएंगे। तो जैसे आप बच्चों के सामने कुछ पेन रख दीजिए, पेंसिल्स रख दीजिए, कोई छोटी मोटी चीजें रख दीजिए, और उनसे कहिए कि उनसे पूछिए कि ये क्या है जी। और हाँ। तुरंत आप ही उत्तर उसका दे दीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पर बनाया एक स्टार जी। बच्चे से पूछेंगे हम कि व्हाट इज दिस, क्या पूछेंगे कि व्हाट इज दिस, ये क्या है। लेकिन बच्चा जवाब दे उससे पहले आप तुरंत ही बता दीजिए दिस इज अ स्टार। इसी तरह से व्हाट इज दिस, दिस इज अ बॉल, दिस इज अ बॉल, या व्हाट इज दिस, दिस इज अ कैप, दिस इज अ कैप। अब हमें बच्चे को से पूछना है कि ये तो एक 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 वचन है, लेकिन जब हम उसे कहेंगे गिव मी वन स्टार या गिव मी वन बॉल, बच्चा उस बात को जब समझ लेगा तो उसके बाद तुरंत ही उसे ये कहिए गिव मी वन मोर बॉल, गिव मी वन मोर बॉल। यानी जब बच्चा उस शब्द को सीख लेगा, समझ लेगा, तो जब आप उसे दूसरी चीज मांगेंगे तो वो तुरंत आपकी तरफ बढ़ा देगा, क्योंकि वो शब्द से रूबरू हो चुका है, उस शब्द को समझ चुका है। ठीक है। इसके बाद बच्चा कोई भी चीज मांगे, जैसे हमने बताया कि उसे यही कहिए कि व्हाट इज दिस, दिस इज स्टार या दिस इज बॉल, और गिव मी वन मोर बॉल। तो हम अमूमन ऐसा करते हैं कि जब प्लूरल बनाते हैं तो एस लगाते हैं, लेकिन अब यहां पर बच्चों को ये सिखाना है कि एस लगाते हैं तो किस ढंग से लगाते हैं, किस नियम के तहत लगाते हैं। जैसे उन्हें बताना है कि जब किसी शब्द का अंत में, जब किसी शब्द के अंत में एस एस H, C, H, O या फिर Z आता है जी, ठीक है। S, S, H, C, H, O और Z जब आता है, उसका हमें जब प्लूरल बनाना होता है तो हमें लगाना है होता है इस शब्द के आगे, इस शब्द के अंत में ES लगाना होता है। जैसे B, U, S, बस, और यहां पर हम क्या लगाएंगे, इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा,
जी ई एस लगाना होगा बी यू एस ई एस बसेस ऐसे वो शब्द बताएंगे हम जिसमें एस एच से अंत होता है जैसे बुशेज बुश पहले हम बोलेंगे उनको बुश और वो बताएंगे बुशेज इसी तरह से सी एच से अंत होने वाले जैसे बेंच या ब्रांच बच्चा आगे बताएगा ब्रांचेस किस ढंग से ई एस लगा कर ऐसे ही ओ मैंगो मैंगोज बज बजेज ठीक है इस तरह से ये हम इन शब्दों के अंत में हम ई एस लगाते हैं ठीक है इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ नाउन के अंत में यानी हम प्लूरल जब बनाते हैं वो किसी नेमिंग वर्ड का ही बनाते हैं जी, है ना किसी नाउन की जैसे कोई सवारी हो गई जी, कोई वस्तु हो गई जी, नाम के आगे तो हम लोग कर ही नहीं सकते ऐसा अशोक या अशोक्स नहीं बोलेंगे हम ना तो वही बात है कि नाम नहीं कोई वस्तु है कोई सवारी है या आसपास की और कई सारी चीजें होती है हमें वो भी एक नाउन ही कहलाते हैं उन नाउन के अंत में हमको इस तरह से ईएस लगाना होता है लेकिन कुछ शब्दों का अंत वाय से होता है जैसे लेडी फेरी कंट्री तो इन शब्दों का प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा वाई हटा करके आई ई एस जोड़ दिया जाएगा आई ई एस जैसे लेडीज फेरीज और कंट्रीज ये हमें आई ई एस कब लगाना है जब किसी शब्द का अंत वाय से हो मगर वाय से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो जो व्यंजन जिसे हम कहते हैं यानी कोई वॉवल शब्द ना हो आ ए आई ओ यू ई ये शब्द ना हो तो हम आई ई एस लगाते हैं मगर जिन शब्दों के अंत में वाय है लेकिन वाय से ठीक पहले वॉवल है जैसे बॉय अंत वाय से है जी, मगर वाय से ठीक पहले ओ है वॉवल है तो हम इसको सिर्फ बी ओ वाय एस लगा देंगे जी, इसी तरह से की के ई वाय यहां पर भी वॉवल से अंत हुआ है वाय से अंत हुआ है लेकिन वाय के ठीक पहले वॉवल है जी, तो हम बनाएंगे K-E-Y-S keys. ये थोड़े से कुछ नियम है जो हमें अपने बच्चों को समझाना है कक्षा में इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे जिनका अंत F से होता है जी, जैसे शेल्फ सेल्फ और काफ तो इनका प्लूरल बनाने के लिए भी कुछ नियम है सेल्फ शेल्फ काफ इनका प्लूरल बनाने के लिए हम एफ हटा करके और वी ई एस लिख देते हैं एफ हटा करके वी ई एस और उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा यहां हम बोलते हैं सेल्फ और वहां प्लूरल बनाते समय हम उसको बोलेंगे सेल्व्स S E L V E S shelf shelves
काफ काव्स, लेकिन इन सब के अलावा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रोनंसिएशन तो एफ से होता है जी। मतलब शब्द के अंत में एफ आता है लेकिन उसका अंत एफ से नहीं होता, जैसे वाइफ, नाइफ, अंत एफ से है। बोलते समय ऐसा लग रहा है कि जैसे इसका अंत एफ से हो रहा है लेकिन एफ के बाद ई भी जुड़ा हुआ है, तो वहां पर भी हम वीईएस ही लगाएंगे। वाइब्स, इसी तरह से नाइव्स, इसी तरह से थीव्स, इसी तरह से लीफ, लाइफ, इस तरह से वीईएस हम लगाएंगे चाहे उसका अंत एफ से हो या नहीं, मतलब लेकिन प्रोनंसिएशन उच्चारण उसका एफ से होना चाहिए। कुछ शब्द इस तरह के होते हैं जिनमें हम न आईईएस लगाते हैं न वीईएस लगाते हैं, उनमें हम उन्हीं शब्दों में फेर बदल करके उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे टूथ, फुट, इसका प्लूरल बनाते समय हम इन्हीं शब्दों में फेर बदल करके उसका प्लूरल बना देंगे। इसको बोलेंगे हम टीथ, ठीक है, इसको हम टीथ कर देंगे, टूथ का टीथ और फुट का फीट, फीट हो जाएगा जी। इसके अलावा गूज, ये हो जाएगा गीज, मैन, एम ए एन मैन, लेकिन इसका प्लूरल बनाते समय हम बोलते हैं एम ई एन मैन, मैन, यहां एम ए एन मैन लेकिन एम ई एन लिखेंगे मैन। वुमन, प्लूरल बनाते समय विमेन, स्पेलिंग लिखेंगे डब्ल्यू ओ एम ई एन, विमेन, विमेन। इस तरह से कुछ नियम हैं जिन नियमों के आधार पर हम बच्चों को सिखा करके उन्हें शब्दों को सिंगुलर से प्लूरल बनाना सिखा सकते हैं, और इसमें थोड़े से नियमित अभ्यास की जरूरत है। थोड़ा सा अभ्यास जैसे हो जाएगा तो हम समझते हैं कि किसी भी तरह की उनको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कहते हैं ना करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। आज की कक्षा में बस इतना ही, और कोशिश करेंगे हम अगली कक्षा में आपसे मिलें और कुछ विषय पर, नए विषय पर हम बातचीत करेंगे।